जब बच्चा गर्भ में पलता है, जो माँ जैसे काम करती है, जैसे व्यवहार करती है, जैसे उसका शिष्टाचार रहेगा, उसका प्रभाव बच्चा के गर्भ में ही। आपका बच्चा आईएएस बनना चाहता है? चाहता है सर, लेकिन कोशिश तो करना, खाना रख कर और बच्चे को पढ़ाती कि ताकि हम तो खाना बाद में खा लेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ा। मैं बता दूं, अभी मैं हर्ष की दुनिया हर्ष के पास हूं, जो अभी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और इनका एक ही रीज़न है कि एक अच्छे बहुत अच्छा टैलेंट इनमें है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पास जीके जीएस मैथ का बहुत बड़ा ज्ञान है इनके पास। इतनी छोटी उम्र में, महज 10 साल की उम्र, 10 से 11 साल की उम्र हो गई उनकी, 6 क्लास में पढ़ते हैं ये, और इनका जो बायोग्राफी है आईएएस बनना चाहते हैं। उनके माता पिता हमारे साथ हैं, आज उनकी उनसे हमारी खास बातचीत ये होने वाली है कि जो हर्ष है, इतने अच्छे टैलेंट जो हैं, इतने अच्छे जो टैलेंट इनमें, जो इतनी प्रतिभा है, कैसे आई। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हेलो, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरबिंद सिंह है, पिता का नाम सूर्यनाथ सिंह मुखिया, पहले 2001 में मुखिया रहा। आपके पिताजी मुखिया थे ना? हाँ, 2001 में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा कुमारी। अच्छा, हम सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपका बच्चा आज बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वायरल हर बच्चे को होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। जो सोनू और हर्ष जैसा बच्चा हो। अच्छा। सबसे मैं धन्यवाद मीडिया को देना चाहूँगा कि पहले मैं देखता था कि कोई मुद्दा भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम होता था, आज ऐसा मुद्दा चला है जो छोटे बच्चों को के शिक्षा के लेके जो मुद्दा चला है, हमें बहुत खुशी आ रही है कि सभी लोग, सभी के घरों में आज के डेट सोशल मीडिया है, सभी लोग इस शिक्षा का मुद्दा लेके अपने बच्चों को दिखा रहे हैं या कर रहे हैं, एक एक भारत के लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक पहल है। चलिए, बच्चों को आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में पिताजी के साथ साथ सबसे बड़ा जो योगदान होता है उनकी माँ का होता है, इसलिए कि घर में देख रेख करना बच्चों को उनकी माँ की जिम्मेवारियाँ होती है। जो पिताजी होते हैं बाहर में काम करते हैं, चाहे कहीं भी काम करते हैं, तो काम करके अपना चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन जो उनकी बच्चे की जो माँ होती है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कैसा लग रहा है अभी आपका बच्चा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, पूरे देश में वायरल हो रहा है? सर, हमें देखकर बहुत खुशी लग रहा है, और हम बचपन से ही मतलब इनको यही सोच रखते थे कि शिक्षा को आगे बढ़ाए। हमें जीवन में कुछ सोचे ही नहीं कि कुछ करें, केवल मेरा बेटा आगे निकल जाओ, इसके साथ साथ बिहार गांव सारा आगे निकल जाओ, तो शिक्षा के जब आगे निकल जाएगी तो बेरोजगारी दूर हट जाएगी सब। जब हमारे बिहार में साक्षरता दर पूरे राज्य से मतलब हम लोग के कम है, तो उसके बढ़ाने के लिए हम लोग सोचे कि क्यों ना अपने आप पर निर्भर करें। जब हमारे बच्चे निकलेंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग, इनके दोस्त आगे पीछे जो लोग हैं वो निकलेंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा और आगे निकले और आप लोग के सहयोग बने रहे, इसके देख के और सारे बच्चे प्रेरित हो गए, उसके घर जीवन भी उसको देख कर उसके एग्जाम्पल देंगे कि नहीं ये मेरे ऐसा कर रहा है तो आप भी ऐसे कीजिए। अच्छा, घर में गृहिणी होने के नाते बच्चे पे माँ का पूरा ध्यान रहता है कि बच्चा मेरा क्या कर रहा नहीं कर रहा, और जब पढ़ने की शुरुआत की थी इसने, तो आपका कैसा सहयोग रहा था इनके साथ? सर, जब बच्चा गर्भ में पलता है, जो माँ जैसे काम करती है, जैसे व्यवहार करती है, जैसे उसका शिष्टाचार रहेगा, उसका प्रभाव बच्चा के गर्भ में ही पड़ जाता है, और जब बचपन से जैसे जैसे उनके साथ व्यवहार करेगी जो माँ, उसके साथ उसका वही प्रभाव पड़ेगा। सबसे प्रथम पाठशाला बच्चों के लिए माँ ही है, जैसा व्यवहार करेगी उसका बेटा वैसे ही व्यवहार करेगा। गजब माँ हो तो ऐसी, एक बच्चे के लिए इतनी बड़ी सोच और इतनी अच्छी सोच जो है शायद ही देखने को मिलता है, और इसलिए इनके बच्चा आज इतना बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि आप समझ सकते हैं इनके पास अभी मोबाइल नहीं है, पहले एक ही मोबाइल था जो अभी बिगड़ चुका है, अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं बच्चे, और इनके घर में भी जो मोबाइल छोटा मोटा होगा चल रहा होगा, लेकिन जो बड़ा मोबाइल था अभी बिगड़ चुका है इनका, फिलहाल अब मोबाइल लेंगे बाद में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो आपका कैसा योगदान रहा था, क्योंकि आप घर पे थे या नहीं थे उस समय? नहीं नहीं, हम तो दुकान पे रहते थे, आते थे तब भी इनको 9 बजे। इससे पहले आप क्या करते थे, दुकान चलाने से पहले क्या करते? मैं टैक्सी ड्राइवर था, दिल्ली में गाड़ी चला। आप समझ सकते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा गूगल बॉय बन गया है, आज आगे चल के हमें लगता है कि यह गूगल का चैलेंज करेंगे। मैडम, हम जानना चाहेंगे अभी आप आंगनबाड़ी सेविका हैं, आगे क्या करना चाहेंगे? और
हो सकता है आप अच्छे एमए किए हुए हैं, मैं मुझे पता है जहाँ तक आपके क्या करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी घर पर रखी है, क्योंकि जब हम आए तो मेरी सासू माँ चली गई, अच्छा, ननद भी चली गई, गोतनी सब अपने आप हो गई, अच्छा, तो हम किस पर घर छोड़े। अगर अपना भविष्य सोचे तो बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा, तो हमारा तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो बच्चों का भविष्य संवारना है, इसीलिए हम घर छोड़ नहीं सकते। अब तो आपका बच्चा आईएएस बनना चाहता है। चाहता है सर, लेकिन कोशिश तो करना है ना जी। सर जब इतना मेहनत, जब बच्चा था तो इतना मेहनत करते थे कि खाना जब लेकर शाम को खाने चलते थे, हमारा मतलब 35 परिवार था, अच्छा। उनको सब सारा काम करना था, अच्छा। उसे सारा काम करते करते पढ़ाई किए हैं, और जब मतलब खाना लेकर शाम को चलते थे खाना खाने, तो लगता है कि बच्चा सोने लगा, खाना रख कर और बच्चे को पढ़ाती कि ताकि हम तो खाना बाद में खा लेंगे, अच्छा। लेकिन बच्चे को पढ़ा लें, अच्छा। सोते समय, जागते समय, हर समय मतलब शिक्षा के मतलब रहते हैं। जब सोते हैं तो कुछ मुझबानी कुछ याद कराते, कुछ के बारे में बताते, हमको बहुत पहले से सोच है कि मेरा बेटा कुछ करे, अच्छा अच्छा जी। आज तो गूगल बॉय के नाम से जानने लगा, खान सर के नाम से जानने लगा है आपका बेटा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं है सर, क्योंकि शिक्षा और कंपटीशन इतना आगे है, मेहनत कर रहा है, लेकिन बेटा मेरा हो या ना हो उसका कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन शिक्षा को लेकर चल रहे तो ये नहीं होगा तो दूसरे बच्चा होगा ना, लेकिन होगा ही। हम कैसे कह दें कि आज आईएएस बन जाएगा तो शिक्षा सुधर जाएगा, इसका शिक्षा सुधरने में मतलब आईएएस बनने में 10 साल हुआ, 20 साल समय लगेगा, तो अपने आप को जैसे मतलब अपने आप को कैसे कह दें, तब से शिक्षा पहले सुधारिए तब ना, अगर शिक्षा एक ही लोग को सुधरेगा तो इसका ही जीवन बनेगा। इससे पहले मतलब जो मुख्यमंत्री है चाहे जो भी कैबिनेट के नेता लोग हैं, तो उसको हम यही अपील करेंगे कि जितना ही स्कूल है सरकार या मतलब जो भी, उसको सुधारने की कोशिश किया जाए, ताकि एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों बच्चे का भविष्य बने, और ऐसे ही सोनू और हर्ष की तरह सारे बच्चे बने, ताकि हमारे देश और राज्य मतलब आगे की ओर जाए। सोनू जी, हर्ष जी, आप अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता को छोटी छोटी नमन देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि वो मुझे आज इतना आगे और इतने सफलता के चरम पे ले जाए। मैडम जी, हमारे बिहार की बात में जहाँ तक करूँ, मैं और राज्यों की बात तो नहीं कर सकता, हमारे बिहार में सरकारी स्कूल की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। मैं जहाँ तक विजिट करता हूँ, मैं सरकारी स्कूल को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे सरकारी स्कूल के लिए? सर, सरकारी कर भी तो मतलब संविदा पर मैं भी हूँ, लेकिन कोई मतलब घर में मुखिया है मान लीजिए, तो एक घर के मुखिया को चलाने में घर बिखर जाता है, तो क्यों हम ऐसे एक ही सरकार को एक ही टीचर को क्यों गलती दे दे? उसमें सारे लोग का, सारे जनता को, सारे अभिभावक को, सबको उसमें दोषी हम ठहराएंगे, क्योंकि टीचर को ही गलती दे तो अभिभावक अगर ज़्यादा मतलब शिक्षित हैं तो मतलब स्कूल में 10 टीचर हैं, गाँव में 1000 लोग हैं, तो अगर 1000 लोग को बैठक होंगे तो क्या 10 लोग नहीं सुधर पाएंगे? सही बात है। सुधर जाएंगे, जरूर सुधरेंगे। तो हम में भी गलती है, अपने आप को गलती पहले मानिए, उसके बाद दूसरे को गलती ठहराइए। अच्छा, चलिए, ये इनके सोच जो है बहुत अच्छा सोच है। सर, क्या आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? सर, सोच यही कहना चाहेंगे कि अभिभावक जितने हैं, जितने अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाने में ख्याल रखते हैं, जूता मोजा से लेकर लंच सेट और वो सब कापी किताब का वो ध्यान अगर प्राइवेट में किया जाए, तो प्राइवेट भी सरकारी सरकारी से भी प्राइवेट से सरकारी कम नहीं होगा। सही बात। अभी एग्जाम्पल देख लीजिए, जो दिल्ली का विद्यालय है, केजरीवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका स्कूल देख के हमारा बेटा बहुत प्रसन्न होगा। क्या बात है, बेटा बेटा भी केजरीवाल का फैन, आप भी केजरीवाल का फैन? हम केजरीवाल के समर्थक रह चुके हैं दिल्ली। अच्छा अच्छा, आप केजरीवाल के समर्थक? हाँ, दिल्ली में उनकी जब शुरुआत हुई थी तो हमने अन्ना आंदोलन में डेली जाता था मैं। अच्छा, हाँ, मैं तो उस घड़ी का मैं उसमें उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। अगर वो कहीं सुन रहे होंगे तो एक बार बिहार में आने का कोशिश करेंगे, और इस सोते से टैक्सी ड्राइवर का ध्यान रहेगा कि हम उनके समर्थक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं बता दूं कि ये टैक्सी ड्राइवर हैं, पहले टैक्सी ड्राइवर थे, अभी इनका परचून का दुकान है यहाँ पे। टैक्सी ड्राइवर होते हुए जो मैं इनका स्थिति जो देख रहा हूँ घर का, आधा अधूरा घर बना हुआ है इनका, मतलब पूर्ण रूप से कहीं भी नहीं इनका बना हुआ है। मैं छत भी पूरा दिखा दूंगा आगे, पूरा पूर्ण रूप से घर नहीं बना है। एक केवल बच्चों को पढ़ाने में, अपनी शिक्षा में सारी मेहनत का पैसा इन्होंने लगा दिया। जय हिंद, जय भारत।